बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले अब अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहे हैं और नवे एडिशन की पहली फाइनलिस्ट कौन होगी उसका फैसला आज रात नेशनल स्टेडियम कराची में हो जाएगा। मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलमी का ये मुकाबला, सुल्तान जिसकी नजरें लगातार चौथा फाइनल खेलने पर जमी है, वहीं लीग मैचेस में जलमी से गुज़श्ता शिकस्तों का बदला लेने के लिए भी बेकरार है और जलमी को इन फॉर्म बैटर और टॉप स्कोरर बाबर आजम का साथ हासिल है, तो वहीं सुल्तान को टॉप विकेट टेकर उसामा मीर दस्तयाब है। नेशनल स्टेडियम कराची में जिस तरह मैंने आपको बताया कि रात 9 बजे ये मैच लगेगा। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब, हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, इसके साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बिल आखिर जी, वो टाइम आ गया है मुल्तान सुल्तान चौथी मरतबा फाइनल खेलने के लिए, उसकी उम्मीदें जो हैं वो हैं और रिजवान जिस तरह से थ्रू आउट द टूर्नामेंट टीम को लेके चले हैं, लेकिन पेशावर से ये दोनों मैच हारे हैं, आज उसका भी बदला लेना है। ऑन पेपर बट सब कौन तगड़ा इस वक्त लग रहा है? प्रोबेबली 11 ये पड़ी हुई है, ओवरऑल इनका स्क्वाड ये पड़ा। देखिए, मुल्तान सुल्तान के लिए जो सबसे बड़ा हर्डल है ना इधर, वो है ये पहला प्लेयर कैप्टन बाबर आजम, ठीक है। इन ये लाइफलाइन है पेशावर जलमी के रन्स की, और इन्होंने जो मैचेस जीते हैं 10 में से 7 दफा ही हैज बीन अमंग द रन्स जो टोटल को लेकर, एग्जैक्टली। सो इट्स अ ह्यूज परसेंटेज, और यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज बाबर क्या करते हैं जलमी का टू स्टार्ट विद। रिजवान की जो टीम है वो अच्छी खेल रही है, रन इन्हें मिल रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, चीज़ें इन टैंडम है, बॉलिंग डिसिप्लिन है, उधर जो ओवरकम करने वाला फैक्टर है ना सबसे बड़ा उनके लिए वो बाबर ही है, और दूसरा है कि जो वो चीज़ें कर रहे हैं वो करते रहे। यहाँ पर बाबर के साथ कौन कौन साथ देता है वो लोग वेरी करते हैं रोज़, और देखना ही होगा कि आज इनमें से कौन सा बंदा जो है वो टीम के लिए खड़ा होता है। मोहम्मद आरिस पूरा टूर्नामेंट गुजर गया, कुछ ऐसा उनकी तरफ से नहीं आया। इसी तरह अगर आप देखें आसिफ अली, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, कितने एडिशन पीएसएल के वर्ल्ड कप्स खेले हैं, ही नीड्स टू फायर। रोबमन पावल आउटस्टैंडिंग फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग में भी कहीं ना कहीं ये और सैम अयूब, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बाबर के साथ कंट्रीब्यूट किया अभी तक यहाँ पहुँचने में। उसके अलावा बॉलिंग में अगर हम देखें आमिर जमाल एज एन ऑलराउंडर इन द लास्ट ऑफ द टूर्नामेंट ही हैज कम गुड, सो ही नीड्स टू कीप कमिंग गुड। और उसके साथ इनका कैडमोर है, हाई होप्स, बट अभी तक कुछ वहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। तो मेहरान मुमताज़ एक बॉलर इनके ऐसे हैं जिन्होंने आके काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया, बीच में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ पर। सो ये सारे जो है ना ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हसीबुल्ला अगेन, वो भी अभी तक डिसअपॉइंटिंग ही रहे हैं बैट के साथ, उन्होंने भी कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली और ना ही कुछ किया। सो ये 4-5 प्लेयर्स हैं जिन पे जलमी डिपेंडेंट है, और इसमें सबसे बड़ी जो इनकी लाइफलाइन है वो बाबर आजम है। अगर ये खेलते हैं 10-12 ओवर तो फिर जलमी का अच्छा चांस है, चाहे वो सेट कर रहे हो टारगेट, चाहे वो टारगेट को चेस कर रहे हो। और रिजवान हैज ऑल द गन्स फायरिंग मोस्ट ऑफ देम। एग्जैक्टली, अच्छा पेशावर जलमी की तो बात हो रही है, ओपनर जो है वो काफ़ी दफ़ा उन्होंने अच्छा स्टैंड दे दिया सैम अयूब, बाबर आजम ने। वन डाउन में मोहम्मद हारिस आते हैं, अब मोहम्मद हारिस के कुछ स्टैट्स एमओ सही साहब आपने निकाले हैं। मोहम्मद हारिस की क्योंकि अभी बात भी हो रही थी, मोहम्मद हारिस ने जो है वो 68 बॉल्स फेस किए हैं इस टूर्नामेंट में और 83 रन उन्होंने बनाए हैं। मोहम्मद हारिस की जो हम लास्ट जो उनकी 20 इनिंग्स हैं T20 क्रिकेट में उनको अगर हम एनालाइज करें तो उनमें उनका जो हाइएस्ट स्कोर है वो 20 है। तो जो लास्ट 20 उन्होंने इनिंग्स खेली उसमें 20 रन नहीं कर पाए हैं। इस पूरे पीएसएल में 8 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, अब तक सिर्फ 2 छक्के वो लगा पाए हैं, जबकि वो पिंच हिटर के तौर पर मशहूर हैं। 68 बॉल्स खेलकर 83 रन बनाए हैं, और मोहम्मद हारिस जो हैं उनका एक ही उनके पास वो है कि साउथ अफ्रीका वाली इनिंग का स्टार्ट उन्होंने अच्छा दे दिया था, जिसकी बेस पर वो आगे चल रहे हैं। बट साहब, अगर डोमेस्टिक में बात की जाए मोहम्मद हारिस की, वहाँ पर कंसिस्टेंट ये परफॉर्मर रहे? नहीं, अगर आप कोई भी कंपटीशन देख लीजिए तो इनकी परफॉर्मेंसेस में बहुत बहुत फासले हैं। अच्छा, कंसिस्टेंसी जो है ना वो इशू है, और ये जिस तर्ज के माइंडसेट के ऊपर हमने प्लेयर्स को बिल्ड करना शुरू कर दिया ना, जब हम इंटेंट और स्ट्राइक रेट की बात तो करते हैं, ठीक है, ये हिस्सा है मॉडर्न क्रिकेट का, वेरी वैलिड पॉइंट, बट इसका एक प्रोसेस है टू अचीव, और उसकी जो रूट है ना या उसकी जो इम्पोर्टेंट बेस है वो उसकी गुड टेक्निक है। अच्छी बेस के ऊपर वो प्रोडक्ट बिल्ड होना चाहिए। हम लोग बेस का कोई ख्याल नहीं कर रहे, हमारे लोग जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि बाजी पावर हिटिंग कर दो, यार उसका एक प्रोसेस है, तरीका। प्लेयर जब बन जाएगा उसके बाद उसकी हिट्स में पावर भी ऐड हो जाएगी और उसकी ऑप्शंस भी बढ़ जाएंगी, वो फिर उसी बॉल को 3-3, 4-4 जगह खेलने का कैपेबल हो जाएगा। 360 ना सही तो 180, 190, 270 प्लेयर तो बन ही जाएगा, लेकिन पहले प्लेयर तो बनाओ। बिल्कुल, हमने क्या किया, प्लेयर बनाना बंद कर दिया, टेम्परमेंट उनके जेन से ही निकाल दिया कि पेशेंस भी कोई चीज़ है, कि अगर एक ओवर अच्छा हो रहा है तो वो गुजार दो, कोई ओवर तो आपके मतलब का भी मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं, अब आ गए यहीं पर हेड ऑन लेना है।
और वहां पर फिर ये होता है कि कभी 6 मैचों बाद 25 रन कर लिए, कभी 10 मैचों बाद 40 रन कर लिए, तो ये तो सूटेबल नहीं है। अब तो क्रिकेट ज्यादा ना तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन पहले अगर आप इतने इनकंसिस्टेंट हैं तो आपको क्रिकेट तो नहीं मिल। क्रिकेट ज्यादा लेकिन उसकी कदर नहीं रही और प्लेयर्स उस तरह से मेहनत नहीं कर पा रहे। एक शॉर्ट ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पेशावर जर्मी के मेन बॉलर थे, एज ऑलराउंडर परफॉर्म किए नवीन उल हक जो है वो वापस अलग हैं, उनकी गैर मौजूदगी में पेशावर किस तरह से ये वाला मैच खेलेगी इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, तो जिसका पहला मैच आज प्लेऑफ का मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर जर्मी, जो मैच जीतेगी टीम वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए, जिस पे मुल्तान सुल्तान चौथी मरतबा लगातार फाइनल खेलने के लिए पूरी उम्मीद है। दूसरे एंड पर पेशावर जर्मी, ये वो दो टीमें हैं जो मैक्सिमम टॉप टू पर जो इन्होंने अपने सीजन का इख्तिताम किया है। तो हम बात कर रहे थे पेशावर जर्मी के नवीन उल हक जो है वो वापस चले गए नेशनल ड्यूटीज की वजह से, आयरलैंड के खिलाफ उनकी सीरीज चल रही है बॉलिंग कर रहे थे और उनका ना होना ऑब्वियसली प्रेशर लाएगा किसी भी और बॉलर पे जिसने इन सिचुएशंस में बॉलिंग नहीं की और कम क्वालिफायर्स। अब जाहिर है मेक और ब्रेक है, या वैसे तो इन दोनों टीमों के पास दो दो मौके होंगे फाइनल में पहुंचने के, लेकिन बड़ा जरूरी है कि आज जो टीम अच्छा खेले और वो आज ही कर ले अपने आप को उसमें बुक। तो देखना है कि अब ये कराची में स्पिनर्स को भी काफ़ी हेल्प मिल रही है तो ये एक्स्ट्रा स्पिनर के लिए जाते हैं या ये मोहम्मद जिशान या इमल खान में से किसी के साथ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर इनके पास दो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हैं। जिशान जो है वो दराज कद है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेले हैं अभी रिसेंटली। एमल खान जो है वो अभी आपके डोमेस्टिक सेटअप से आ रहे हैं और उससे पहले उनकी वजह शोहरत PGL की जो लीग थी वहाँ पर वो खेले थे और वहाँ से वो आए थे। तो यहाँ पे देखना है कि इन तीनों में से क्या ऑप्शन ये लेते हैं। और उसके अलावा अच्छा आपने स्पिन की बात की तो साइम अयूब बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट अभी 2-3 मैच में जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, गोल्डन आर्म, गोल्डन आर्म, और बाबर ने गोल्डन आर्म का नाम दिया। चले ये अच्छी चीज है। जैनम उनसे पूछ रही थी प्रेजेंटर के आप क्या करते हैं बॉलिंग में क्या करते हैं, तो उसने एक डिलीवरी बताई कि मैं कैरम फिंगर कर लेता हूँ, इसके अलावा और क्या करते हैं, कहते वो नहीं मैं बताऊंगा, ये हिडन है ये सारी चीजें, ये मैंने सरप्राइज रखा हुआ है। अच्छा, तो वो फिर गोल्डन आर्म जो कह दिया वो बिल्कुल ठीक है। तो साइम से बॉलिंग करवाई जा सकती है, देखिए रेगुलर करवा रहे हैं उनसे और पावर प्ले में भी करवा रहे हैं मिडिल ऑफ द इनिंग्स में, और कराची में तो ये है ना कि ग्रिप मिल रहा है हर स्पिनर का बॉल, जो कई कई साल से स्पिन नहीं हुआ था वो कराची आके स्पिन हो रहा है, इस तरह के ग्रिप है पिच के अंदर, टैकी सर्फेसेज है, तो ऐसे में वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर बन जाते हैं। और स्पेशली आजकल वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और बाबर ने उन्हें जिस तरह इस्तेमाल किया है उनको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला होगा इस ऑब्वियसली बॉलिंग के साथ। सो आई थिंक ही इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर और वो लाजमी उन्हें यूज करें। सलमान अरशद के बारे में क्या ख्याल है, प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, स्पेशली अगर उनकी डेथ बॉलिंग को मद्देनजर रखा जाए तो काफी मुश्किलात वो पैदा करते हैं लाइक जमान। आई थिंक उनके जो यॉर्कर्स हैं या जो चेंज ऑफ पेस है स्पेशली टुवर्ड्स द एंड वो काफी अच्छा है, चैलेंजिंग है बैटर्स के लिए और वहाँ पे विकेट्स लेते हैं। तो ये और आमिर जमाल को हमने देखा है कई मैचेस में डेथ में बड़ा अच्छा फिनिश करते हैं जल्मी के लिए। खुरम शहजाद वो भी खुरम शहजाद वापस आ चुके हैं, पिछले मैच में वो इंजरी से रिटर्न हुए तो उनका पिछला मैच जो था वो पहला मैच था PSL का। इसमें देखेंगे जो साइम अयूब वाली बात हो रही है, साइम अयूब को वो उस वक्त लाए जब ये वकार सलाम खेल को उन्हें खिलाया वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो जो खला पैदा हुआ उस खला को पुर करने के लिए साइम को लेकर आए। और लास्ट मैच में अगर आप देखें तो लास्ट मैच एक ऐसा इंस्टेंट था कि जिसमें साइम अयूब जो है वो पावर प्ले के बाद भी हमें बॉल के पावर प्ले के बाद ही उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की है। तो ये देखना पड़ेगा कि कंडीशंस किस तरह की हैं, उसके मुताबिक फिर ही डिसाइड होगा कि साइम को इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। ठीक है जी, और मुल्तान सुल्तान में उसामा मीर टॉप विकेट टेकर हैं, स्पिनर की वही बात है, ग्रिप अच्छा मिल रहा है आजकल जरा हवा में है, तो समझते हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे इसी। देखिए करना चाहिए, 21 विकेटों के साथ टॉप पर बैठे हैं और आई थिंक जो उनके बाद सेकंड है वो 17 विकेट्स पर है और वो भी शायद पहले तीन में दो मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान्स के हैं पहले दो। सो आई थिंक ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है मुल्तान सुल्तान्स के लिए और जितना स्पिनर्स को मदद मिल रही है लाइकली यही है कि उसामा ही टॉप पे रहेंगे। उसामा में जो है ये PSL में सबसे ज्यादा एक एडिशनल विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए हैं, इन्हें राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है जी, ब्रेक लेना जी, मुझे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी जो डिस्कशन है इसको कंटिन्यू करते हैं।